में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,467 मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 44,563 हो गई है। तो वहीं सीएम योगी ने भी कोरोना को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा सेक्टर 39 में बने कोविड 19 अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है। दरअसल 400 बेड के कोविड अस्पताल में सामान्य मरीज से लेकर गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधा होगी। इस मौके पर जिले के डीएम सुहास एलवाई, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कोविड अस्पताल में अभी 250 बेड की सेवाएं सीएम योगी ने लोकार्पित कर दी है। अस्पताल का निर्माण नोएडा प्राधिकरण की ओर से किया गया है, जबकि कोविड की सभी सुविधाएं टाटा समूह और बिल गेट्स फाउंडेशन ने प्रदान की है। अस्पताल कोविड की सभी सुविधाओं से लैस होगा। नोएडा में बने इस अस्पताल का निर्माण टाटा कंपनी की ओर से सीएसआर के तहत किया गया है। इस अस्पताल में करीब 100 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी मरीज को दिक्कत ना आए, वहीं मरीज का इलाज अच्छे से हो सके। सेक्टर 39 में बना 400 बेड का यह अस्पताल जिले का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल होगा।